आप देख रहे हैं डीडी नेशनल, नए भारत का नया दूरदर्शन। कौशल के द्वारा ही हम 21वीं सदी के नए भारत की नींव रख सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन के इस युग में स्किल इंडिया मिशन बदलते समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सिर्फ युवाओं के रोजगार और स्वरोजगार से नहीं जुड़ी है, बल्कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसी महत्वपूर्ण मिशनों से भी जुड़ी है। आज ये हजारों युवाओं की जिंदगी बदल रही है। कौशल से सफलता की ये कहानी आपको प्रेरित करेगी। आइए देखते हैं। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय समाज के हर तबके को कौशल प्रशिक्षित करके उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास कर रहा है। कौशल से सफलता की एक ऐसी ही कहानी है नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा राज्य के खोवई जिले में रहने वाली 39 वर्षीय मंजू शुक्ला दास की। खेती बाड़ी से मंजू के परिवार की जिंदगी तो ठीक से बसर हो रही थी, लेकिन बेटे की पढ़ाई और उसकी खुशहाल जिंदगी का सपना देखने वाली मां मंजू कुछ करना चाहती थी। एक दिन आउटरीच प्रोग्राम के तहत कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत चलने वाली प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की टीम ने मंजू के दरवाजे पर दस्तक दी और काउंसलिंग कर उसे स्ट्रीट फूड वेंडर का कोर्स करने की सलाह दी, क्योंकि मंजू को खाना बनाने में विशेष रुचि थी। जैसा आपको पता है, PMKY 3.0 15 जनवरी 2021 में चालू की गई और इस योजना के अंतर्गत जो हमारे ड्रॉप आउट्स हैं और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हैं, उनको हमने फ्रेश स्किलिंग की, नई स्किलिंग होती है, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग स्किलिंग की जाती है, जिनके पास ऑलरेडी हुनर है या कौशल है, उनको हम रिकॉग्निशन और प्रायर लर्निंग करते हैं ताकि वो अप स्किलिंग कर सकें और उनकी कौशल की एक पहचान बन सके। और तीसरा स्पेशल प्रोजेक्ट कहते हैं जो किसी एक वर्ग के लिए या किसी एरिया के लिए स्पेशल स्किलिंग की आवश्यकता होती है, वो हम करते हैं। और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और राज्य सरकार के मदद से ये योजना का कार्यान्वयन किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अभी तक 3 हमारे वर्जन आ चुके हैं, 1, 2, 3, और अगर सबको मिला लें तो लगभग 1.5 करोड़ 1.40 लाख युवाओं को इसके बारे में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। मंजू ने नजदीक के तेलियामुरा में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की निगरानी में चलने वाले ट्रेनिंग सेंटर में स्ट्रीट फूड वेंडर के कोर्स में रजिस्ट्रेशन कराया और यहां मंजू ने चाउमीन, मोमोज, एग रोल समेत कई फास्ट फूड बनाने का स्किल सीखा। PMKVY के तहत स्किल सीखने के बाद अब एक होटल में काम कर रही हैं। यहाँ कई तरह के स्ट्रीट फूड बनाती हैं और यहाँ पर इन्हें 5,000 रुपए सैलरी भी मिलती है। घर की आमदनी बढ़ने के कारण सैलरी का ज्यादातर हिस्सा बेटे की पढ़ाई और उसकी ख्वाहिशों को पूरा करने पर खर्च होता है। मंजू जैसी सैकड़ों महिलाओं को स्किल इंडिया मिशन ने जीवन में एक नया रास्ता दिखाया है और अब इनकी जिंदगी स्किल्ड होकर आसान हो गई है। हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल आपकी बात को। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं DD नेशनल, नए भारत का नया दूरदर्शन।